हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। हरियाणा की 90 सीटों में से बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अभय चौटाला गठबंधन के नेता होंगे। गठबंधन का ऐलान करते हुए अभय चौटाला ने कहा, ये गठबंधन स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि लोगों की इच्छाओं के अनुसार किया गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने देश को लूटा है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो ने इस बारे में पोस्ट कर जानकारी दी है। मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल मिलकर हरियाणा में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में वहां की जन विरोधी पार्टियों को हराकर अपने नए गठबंधन की सरकार बनाने के संकल्प के साथ लड़ेंगे, जिसकी घोषणा मेरे पूरे आशीर्वाद के साथ आज चंडीगढ़ में संयुक्त वार्ता में की गई। इसके अलावा अपने एक और पोस्ट में मायावती ने लिखा है कि हरियाणा में सर्व समाज हितैषी जन कल्याणकारी सरकार बनाने के संकल्प के कारण इस गठबंधन में एक दूसरे को पूरा आदर सम्मान देकर सीटों आदि के बंटवारे में पूरी एकता और सहमति बन गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपसी एकजुटता जन आशीर्वाद से विरोधियों को हरा कर नई सरकार बनाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं किया था, लेकिन हरियाणा का चुनाव गठबंधन में लड़ने जा रही हैं। साथ ही साल 2014 के बाद से बसपा का चुनावी ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, जहां साल 2014 का लोकसभा चुनाव, उसके बाद फिर 2019 के लोकसभा चुनाव, 2022 यूपी विधानसभा चुनाव और आखिर में हाल ही में हुए 2024 में लोकसभा चुनाव में बसपा मजबूती से वापसी करने में फेल रही है। यहां तक कि 2024 में बसपा का वोट शेयर 10% से भी नीचे जा चुका है। दरअसल ये तीसरी बार है जब दोनों दल एक साथ आ रहे हैं। साल 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के बीच पहली बार गठबंधन हुआ था। उस वक्त INLD ने 7 और बसपा ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। दोनों दलों के बीच दूसरी बार गठबंधन 2018 में हुआ था, मगर ये गठबंधन विधानसभा चुनाव से पहले ही टूट गया था। INLD और BSP के गठबंधन से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका लग सकता है। बसपा हरियाणा की सियासत में 1989 से किस्मत आजमा रही है। मायावती ने 1998 के लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल दल के साथ गठबंधन किया था। 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, इनमें से 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। 2019 के चुनाव के लिए दोनों दलों ने हाथ मिलाया था, लेकिन चुनाव से पहले ही गठबंधन टूट गया था।